हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर गोलेस। आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके सामने पेश है जीएस मोटर का आलीशान शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला शोरूम। भाई हमने बहुत मेहनत करके इसको एक शोरूम को तैयार किया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये गाड़ी ऊपर कैसे आई है? ए, ये गाड़ी ऊपर मैंने तो नहीं लगाई थी। मैं नीचे कहाँ फंस गया हूँ? ओए भाई, बाहर निकल, बाहर निकल। एक सेकंड, ये कैसा स्कैम हुआ? ये गाड़ी मैंने नहीं लगाई थी भाई बाहर। हाँ तो भाई, पहले तो मेन इम्पोर्टेंट बात नहीं, मैंने लगाई थी शायद, सॉरी। बट बालकनी हमने एक बाहर निकाली है सुंदरी मुंदरी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास गाड़ियां बहुत सारी होगी, जो कि आज हमारी वीडियो का टास्क होने वाला है। ये कि हमको सारी गाड़ियां बेचनी गुरु, मगर उससे पहले हमको गाड़ियों को साफ करना। गाड़ियों का प्राइस ऑलरेडी सेट है। आज मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं वो मैं सारी सेल कर दूंगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होने वाला है ये कि मेरे को अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदनी है भाई। अब हम बनेंगे प्रॉपर्टी डीलर, खरीदेंगे एक प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए। एक मेरे को घर चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अब मैं रहूं उस गाड़ी के अंदर जहां पर एक पीछे चोर खड़ा रहता है हर टाइम, और मैं उस गद्दे पे सोचो कि भाई मेरी कमर का बच गया बैंड, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एक प्रॉपर घर, एक बंगलो मेरे को चाहिए, क्योंकि वहां पर हम हो गए रईस, हम हो गए हैं रईस के पौधे। तो अब हमारा देखो भैया बिजनेस ऐसा, देखो ऊपर हमने मूर्ति भी खड़ी कर दी है, ठीक है। मूर्ति हमारी ऊपर खड़ी होगी और भाई साहब एकदम गुलाबी गुलाबी माहौल हो रहा है। दीवारें ऊपर वाली गुलाम भी करती है मैंने, पौधे हमारे गुलाम भी है, हमारा नीचे जो गुलाबो खड़ा हुआ है इसकी बनाने में बदबू आ रही है भाई। हम जा रहे हैं, तो अब सबसे पहला काम करना है हमने कि हमको गाड़ियां साफ करनी या फिर हम प्रॉपर्टी देखने जाएं। एक काम करते हैं, पहले मैं गाड़ियां साफ कर देता हूं। और गाड़ियों को सेल पे तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, बस ऑफिस को खोलना है, वैसे ही कस्टमर्स आने शुरू कर देंगे। तो मेक श्योर करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर कर देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बहुत जरूरी है ये, बहुत ज्यादा जरूरी है। गाड़ियां साफ नहीं हो रही है भाई, गाड़ियां साफ नहीं हो रही है, अब हो चुकी है। गाड़ियां मैं आज सारी साफ कर दूंगा और कस्टमर्स की इतनी तगड़ी भीड़ हो जाएगी ना भाई, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। किस किस से क्या क्या कितनी बातें करूंगा भाई मैं, ये बताओ मेरे को। आई डोंट नो कि मैंने सबके प्राइस सेट करे हैं कि नहीं करे हैं। आई थिंक जहां तक मेरे को याद है ना कि मैंने सबके प्राइस सेट करे हैं, बट मेरी खुद की ना ऐसी तैसी हो रही है सोच के यार मैं भेज पाऊंगा इसको सही से या नहीं। गाड़ी कितनी गंदी है, पूरा लाल हो रखा था इसका बाहर। बहुत काम है, बहुत काम है। सारी गाड़ियां फटाफट से साफ करता हूँ मैं एंड कस्टमर्स को बुलाता हूँ, ऑफिस खोलता हूँ। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हमने सारी अपनी गाड़ियां साफ कर लिए, चकाचक कर लिए, नीचे वाले फ्लोर की एंड ऊपर वाले फ्लोर दोनों की। तो हमारे पास कस्टमर्स ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं और मेरे पास एक स्किल पॉइंट है जिसका मेरे को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए आई थिंक, और उस स्किल पॉइंट को यूज करके मैं फटाफट से अपने और एक्सपीरियंस गेन कर सकूंगा और मैं ज़्यादा जल्दी काम कर सकूंगा। मेरे को ना वॉशिंग के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ जल्दी जल्दी ख़राब होंगी, गंदी होंगी, तो उसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा यार जुकाम। तो हमारे पास एक पहला स्किल पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि एम्प्लॉय वॉक्स फास्टर, वॉक्स फास्टर। तो भाई यहाँ पर तो लगाना पड़ेगा, कॉस्ट उसकी एक ही स्किल पॉइंट की है और एम्प्लॉय वॉक्स फास्टर, दोनों में एम्प्लॉय वॉक्स फास्टर है क्या? नहीं नहीं, एम्प्लॉय यूजेस कार वॉश मशीन, कार वॉश मशीन वॉशेस कार फास्टर, बट ये क्या चीज़ है? क्लीन योर कार्स फास्टर यूजिंग कार वॉश मशीन, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट स्किल पॉइंट मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, बट ये क्या चीज़ है? कस्टमर्स आर लेस एंग्री नाउ, बट ठीक है कोई नहीं, चलता है इतना। गेट योर कार रिपेयर्ड फॉर अ लोअर प्राइस, देखेंगे इसको भी। गेट योर कार वॉश्ड एट अ लोअर प्राइस, भाई यहाँ तो मैं खुद ही करूँगा ना, तो प्राइस क्या देने की जरूरत है? क्या कोई नई चीज़ खुलने वाली है? तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो इसको तो ये स्किल पॉइंट को अनलॉक कर लूँ। ये होगा अनलॉक, अच्छा ये ही नहीं अनलॉक किया। क्लीनिंग विद स्पॉन्जेस नाउ फास्टर, पहले मेरे को इसको अनलॉक करना है, डन। तो फिर पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और ये एम्प्लॉय के अंदर मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ। अच्छा ये तक अनलॉक नहीं हुआ क्या अभी ये? अच्छा एम्प्लॉय स्टार्ट्स वॉशिंग योर कार्स इफ यू हैव टू, अच्छा मेरे को एक स्किल पॉइंट और चाहिए अभी, यहाँ पर दो लगे, मैंने एम्प्लॉय के अंदर अभी भी कोई स्किल पॉइंट डाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपनी जो गाड़ियाँ हैं इनको देखना शुरू करते हैं कि पहले भाई ये इससे बात करके देखते हैं। तो इस नो डैमेज, और मैंने इसका प्राइस रखा हुआ था कितना? बाय प्राइस 3,30,000 है एंड मैंने 8,00,000 में रखा था। और अब क्या बार्गेन करूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बेच सकता हूँ इसको किसी भी प्राइस पे, बट मैं कोशिश फिर भी करूँगा कि मैं एटलीस्ट इसको $6,00,000 में मैं बेच सकूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचूँ, और मैं डबल करके बेचने की कोशिश करता हूँ। ये मान नहीं रही है, इसको एक काम करते हैं 5,70,000 का ऑफर करते हैं, मे बी ये मान जाए, 5,70,000 में मान जा आई थिंक। हाँ गाड़ी बिक गई है हमारी, गाड़ी यहाँ से अपने आप जाएगी, क्या करना है? हाँ लैम्बोर्गिनी सबसे ज़्यादा मेरे को इसका प्राइस मिलने वाला है। द कार इज एज गुड एज न्यू, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बट ये मेरे को $18,00,000 दे रहा है, जो जबकि मैंने खरीदी थी $13,00,000 में। तो एक काम करते हैं, मैं इसको $22,00,000 का एक ऑफर करता हूँ, मे बी ये मान जाए इस बात पे, ठीक है। तो मैंने इसको $22,00,000 का मैंने इसको ऑफर किया है, लेट्स सी। ओह डैम,
क्या हुआ, ले गया गाड़ी, बिक गई या नहीं बिकी? आई डोंट थिंक सो, नहीं गाड़ी नहीं बिकी। हाँ तो इससे बात करके देखते हैं, उसने 18.5 लाख डॉलर का ऑफर किया था। ये तो पागल तो नहीं है थोड़ी सी, 4 लाख डॉलर है? ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, इस गाड़ी की बात? अच्छा ये ऊपर वाली गाड़ी की बात कर रही है नीचे? अरे भाई, अरे भाई, 4,50,000 में कर ले भाई ऐसा। ये ऊपर वाली गाड़ी का ऑफर नीचे आ रहा है भाई, ये 4,20,000 कर दूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या है? ये ले 4,20,000 में, मान जा, वो नहीं मान रही है भाई, बड़े नखरे हो रहे हैं इसके भी। ठीक है, बिक गई गाड़ी। ओ इस गाड़ी के भी बड़े ग्राहक आ रखे हैं। आइए मैडम, सफेद बालों वाली मैडम, प्रिस्टीन कंडीशन में है हमारी गाड़ी, हम बेच रहे हैं 1,00,000 डॉलर में। ये कह रही है नहीं नहीं, हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 74,000 डॉलर में। हम कहेंगे नहीं नहीं, हम खरीदेंगे बेचेंगे 80,000 डॉलर में। 80,000 की है, इसमें तेरा घर जाएगा। वो बिक गई भाई, बिक गई गाड़ियां तो ऐसे बिक रही हैं, सारी गाड़ियां बेच दूंगा मैं। मस्टैंग के लिए तो भाई डिमांड ही अलग हो रखी है भाई। भाई मैंने लगा रखा है 1.5 लाख डॉलर का, मैंने इसको प्राइस लगा रखा है। एक काम करते हैं, इसका मैंने देख लिया ये कितना दे रहा है, अब मैं इससे बात करके देखता हूँ। ओके 1,20,000, अरे ये कितने पे दे रहा था, 83,000 डॉलर्स में उससे बात हुई है, इससे देखते हैं कितने में बात हो रही है। ये 90,000 डॉलर्स दे रहा है मेरे को, मैं इससे बार्गेन करके देखता हूँ 1,10,000 डॉलर्स के लिए। ओए ओए दुकान, ओए नहीं 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 जल्दी जल्दी, हाँ इतने में ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, 1,00,000 कर देता हूँ, 1,00,000 कर देता हूँ। रुक रुक, चाहिए मत, चाहिए मत, चाहिए मत, चाहिए मत, खरीद के जा जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ओ बिक गई गाड़ी, अरे तुम अभी तक काय को खड़े हो, जाओ ना, बिक गई है गाड़ी। अच्छा तू किसी और गाड़ी की बात कर रहा है क्या अभी? तो 1,20,000 ना, इसको इससे मैं बात करके देखता हूँ, एक सेकंड रुको, एक बारी। हाँ ओके बार्गेन कर रहा हूँ मैं तेरे से, रुक जा सबर कर सबर कर। इसको मैं ऑफर करता हूँ 1,00,000 डॉलर्स का, इतने में मान जाइयो भाई, प्लीज प्लीज। सस्ते टोनी स्टार्क, दिस प्राइस इज बॉदरिंग मी भाई। 90,000 डॉलर में कर सकता हूँ मैं लास्ट, 95 करके देखते हैं, 95,000 डॉलर में मानेगा तो बढ़िया है, नहीं तो बेटे जार्विस को बुला, अल्ट्रॉन को बुला के तेरे को गायब करवा दूंगा। ओहो भाई ये तो चल यार, ले जा 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 जी ले। ओए बाकी लोगों से भी नेगोशिएट कर सकता था मैं, शेट। इससे बात करके देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, 6,00,000 डॉलर में पोर्शे 930। हैं तू, तेरा थोड़ा सा दिमाग खराब है क्या? भगे यहाँ से, कल से तू साले छपरी ही लग रहा है बिल्कुल ही, भगे यहाँ से। 2,00,000 डॉलर की गाड़ी है, 2,83,000 मेरे को ऑफर कर रहा है भाई, हिम्मत देखो अगले बंदे की। कस्टमर्स आए तो मेरे को बेचनी गाड़ी, बस बात इतनी सी है, ठीक है। 2,00,000 डॉलर कितने, 94,000 डॉलर का ऑफर किया इसने मेरे को। भाई क्या हो रहा है आज ये इन लोगों को, एक सेकंड भाई कुछ गड़बड़ है। हाँ ये इसने अच्छा ऑफर किया, इससे बार्गेन करेंगे, ये भाई तमीजदार है, उसने तो अलग ही ऑफर दिया था भाई बिल्कुल ही। आर यू क्रेजी है जबरेले, ओ चला गया चला गया, ऐसे जा रहे हैं हमको छोड़ के तन्हा भाई, बहो यहाँ से। चलो भाई आज का हमारा काम काफी अच्छा हो गया, ऑफिस बंद करते हैं, फटाफट जाके सोते हैं, नया दिन नई शुरुआत करेंगे और सारी गाड़ियां बेचेंगे। तो नया दिन नई शुरुआत, हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम खोलेंगे ऑफिस और चेक करेंगे कि भाई मेरी गाड़ियां कितनी गंदी हैं। इन जितनी गाड़ियां गंदी होंगी उन सबको थोड़ा थोड़ा सा साफ करेंगे बहुत जल्दी, और स्किल पॉइंट्स को मेरे को कमाना है सो दैट कि मैं अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सा सही कर सकूं, उसके अंदर भी थोड़े से स्किल पॉइंट्स डाल दूं और वो मेरे को हेल्प कर सके गाड़ियां साफ करने में। अभी मेरे को खुद को करना पड़ रहा है ये, और गाड़ियां हमारी ये एक्चुअली ये मेरी खुद की पोर्शे है जो कि मेरे को बेचनी नहीं है, ये मैंने यहाँ पर शो पीस के तौर पर यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि मेरे को गाड़ी ये बहुत अच्छी लगती है। बट मैं एक गाड़ी और लूंगा जो कि मेरे को यूज़ करनी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। और अभी हमारे ये काम हो गया और कस्टमर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, कस्टमर से बात करेंगे, ये कौन सी लैम्बोर्गिनी लेने आया भाई, इज्जत से बात करेंगे सर से। 30,00,000 डॉलर की गाड़ी, 30,00,000 डॉलर की गाड़ी भाई साहब, बताइए मुँह तो इतने चंट मारूंगा ना, इतना जूत मारूंगा तेरे। रुक से बात करके देखते हैं, 19,00,000 डॉलर में ये कर, नहीं ये तो और कम दे दिया है, वेरी बदतमीज यू आर गाइज। हाँ जी आप बताइए गंजी मैडम, भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके चंट नहीं मारेंगे हम। 19,00,000 डॉलर आप दे रहे हैं हमें, हमारे लिए बहुत है, इससे भी पूछ ले जरा, हम भी थोड़े से धोखेबाज बन जाए, बेवफा बन जाए हम, कि मांग पूरी दिख रही है पीछे तक भाई। 6,00,000 डॉलर, अच्छा पोर्शे के लिए आई है, ओके तो एक मिनट मैम, इसको बेच देता हूँ मैं, इसको बेच देता हूँ मैं, लैम्बोर्गिनी तो इसको बेच दूँ। ओ भाई 19,00,000 डॉलर बार्गेन करें भाई से, और इसको जरा मैं ऑफर करूँ 22,00,000 डॉलर्स का। है छोटी मोटी बात ही नहीं हो रही है भाई, लाखों में बातें हो रही हैं, 22,00,000 डॉलर में बात हो रही है भाई, कह रहे पे है? ओ भाई ये तो जिद्दी है भाई, 20,00,000 में मान जा, लेच 10 कम हो गई थी अभी, आई थिंक अब सही है भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। आ भाई बिक गई 21 में, यही तो हम चाहते थे। हाँ जी मैडम पोर्श, ए मेरी वाली तो नहीं है ना, हाँ नहीं मेरी वाली नहीं, हाँ जी मैडम, अरे आपका टॉक कहाँ है, 6,00,000 डॉलर में हमने रखा है प्राइस और आप हमको दे रही हैं 2,92,000, ठीक है।
हम बार्गेन कर लेते हैं आपसे, 3.5 में बेच देंगे हम आपको, इससे नीचे हम नहीं जा रहे, ज्यादा निकिर नुकुर चिपिर चुपुर ना करें, वरना हम आपको कर देंगे डू नॉट बार्गेन, डू नॉट सेल कर रहे हैं हम आपको, आप भगिए यहां से। ओहो, अमेरिकन मसल के बड़े चहीते लग रहे हैं यहाँ पर लोग मेरे को तो। अच्छा, द कार हैज वेरी लिटिल डैमेज, हाँ डैमेज है गाड़ी, अरे जारी, ए वो लिटिल डैमेज था गाड़ी में, हाँ जी, इसके भाई माथे में चीरा लगा हुआ है यार, गजनी है ये, $2,00,000, $1,20,000, ठीक है इससे बार्गेन करते हैं, $1,50,000 का इसको ऑफर देते हैं, ठीक है जी, आइए आइए प्रभु, रिड्यूस द प्राइस, ठीक है 1.35 कर देते हैं आपके लिए, ज्यादा मतलब चीरे में आपके दर्द हो रहा है तो बताइए, प्राइस इज बॉदरिंग, आई यू आर रियली इरिटेटिंग मी, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, ए तो एक काम कर ब्रो, $1,30,000 दे दे और पतली गली से सटक ले भाई, अब भी तेरे, हाँ चलो बिक गई, और ये गाड़ी भी बेच देते हैं, आइए सर, ये कोट पैंट वाले भैया बढ़िया लग रहे हैं, $5,00,000, 3.65, ठीक है हम आपको ऑफर करेंगे, तेरी भैंस की टांग चला गया, तो स्कैम कर गया भाई मेरे को, स्कैम कर गया भाई ये, फिर आ गया भाई मेरी गाड़ियां खरीद खरीद के कहीं और बेचने के चक्कर में तो नहीं है भाई, $3,50,000 इसको भाई को 4 बोलते हैं, मैं जान के प्राइस बढ़ा के ही लिखता हूँ ताकि ज्यादा प्राइस में बिके और वो उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, मैंने $12,50,000 पे स्टार्ट किया था, मेरे पास अभी हो चुके $50,00,000, ठीक है, और इस ये ने नहीं माना भाई, 3.75 मैं तेरे को कर रहा हूँ, वरना भाई साहब आपके जैसे 636 हमारे यहाँ पर बहुत आते हैं, $3,75,000 में मान रहे हो, अच्छा ठीक, $25,000 कम कर दिया, समझ ना ज्यादा नखरे ना दिखा, है पेल पाल के साइड कर दूंगा यही, वो चीरे वाली मैडम फिर आ गई, वाई आर यू सो डेंजरस, है वाई आर यू सो डेंजरस, $2,50,000 में, ओ भाई ये तो बहुत कम बता रही है, बार्गेन तो करना पड़ेगा इससे, $1,80,000 आपके लिए, $80,000 से हमें बहुत प्रेम है, आई एम गेटिंग रेडी टू लीव, तो निकले, ना 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 ना, इतने एटीट्यूड में हमसे बात नहीं होती है, आप जा सकते, आप चलाएं ई रिक्शा, ठीक है आप वो खरीदें, आप उसमें डील करें, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करते, $95,000 की डॉलर की गाड़ी की खरीदी थी हमने, $2,50,000 में हमने बेचने का प्राइस रखा, ठीक है, ये बंदा आया है मेरे पास एडी टेकन 3 का, और ये उसका भी आधा प्राइस हमें बता रहा है, हम इससे भाई से बार्गेन करेंगे, हम इसको ऑफर करेंगे $1,76,000 आपके लिए प्रस्तुत है, हाँ आपको थिंक करना है आपके प्राइस के लिए, क्योंकि आप ज्यादा ही रईस के बन रहे हैं भाई, एक काम कर $1,60,000 दे दे और चलता बन, ठीक इज्जत से, एक लाख की जगह 1,00,000 दे दूंगा फिर मैं तेरे को, नहीं तो $1,50,000 ले ले भाई, इससे ज्यादा अब नहीं कर पाऊंगा, $1,50,000 इस माय लास्ट प्राइस, ठीक है आपकी औतात से भाई, ये कैसे चमक रही है भाई पसीने से, तर अंदर आ जाती ना, अंदर एसी वेसी लगाया हुआ है, क्या मतलब भारी खड़ी हुई है, $2,50,000 की गाड़ी $1,50,000 में मान रही है ये, ठीक है फायदा तो देखो मेरे को होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करता हूँ, उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं, तो हमने $1,75,000 का हमने इसको प्राइस दिया है, मान जा प्लीज, अरे ना मॉन्ड्री ज्यादा मतलब बिल्कुल स्टाइलिश हो रही है मेरे आगे, ये चीरा इसके भी एक्चुअली, वो बिक गई बड़ी देर में, एक गाड़ी बिकी है ये, वरना मैं तो यहाँ पर इस वाली गाड़ी को कोई नहीं खरीद रहा, बड़ी देर से आए तो है बट मैं बेच नहीं पा रहा, गाड़ी एकदम साफ है सर, कोई डेंट डूंट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं इसके अंदर, हमने $1,00,000 का प्राइस रखा है, आप 74-75 मांग रहे हैं, ठीक है एक काम करते हैं हम आपको 90 का प्राइस दे रहे हैं, 90 में मान जाइए इज्जत से भाई, देख लेना यार प्लीज यार, पिस ऑफ हो रहा है भाई, तो 80 दे दे भाई, ज्यादा मतलब क्या ही है, 80 में तो मान जाएगा, हाँ गाड़ी बिक गई भाई, वो गुस्सा हो रहा था भाई, कस्टमर गुस्सा हो रहा था, अरे ये वाले चले गए कस्टमर, अरे एक खड़ा हुआ है, ये तू बाहर क्यों खड़ा है वे बावले, अंदर आना, शीशे मैंने इसलिए थोड़े लगाए, तुम बाहर बाहर से डील करो, प्राइस इज बॉदरिंग मी, तो फिर आए क्यों खरीदने के लिए, दिस प्राइस इज हाई, और आप मेरे को 2.5 दे रहे हैं, मैंने रखा है 3, मैं आपसे बार्गेन भी क्या करूं, मेरे को तो सही प्राइस दे रहे हो आप, तो हम $2,70,000 में करते हैं डील, एक काम करो मामला डन करो भाई, है आई एम थिंकिंग बिक जाएगी गाड़ी, डन, ये हुआ ना प्राइस, ये हुआ प्राइस भाई, कुछ एकदम सुंदरी मुंदरी, ठीक है भाई, सारी गामड़िया बेच दूंगा मैं आज, गामड़िया सारी बिक जाएंगी, बेयरली ड्रोव द थिंग, इंग्लिश 13,00,000 में खरीदी थी, $20,00,000 का तो ऑलरेडी ऑफर आ गया, हमने प्राइस रखा था 30 का, हम फिर भी इससे बार्गेन कर लेंगे, हम फिर भी इसको बोलेंगे जलील की तरह $25,00,000, ठीक है हमने इसको बोल दिया $25,00,000, मेरे को पता ही मानने वाली है नहीं, एक बारी में तो मानती नहीं है, ठीक है लड़कियां एक बारी में नहीं मानती, वो भी डेनिम जैकेट वाली, तो एक काम करते हैं इसको हम देते हैं $22,00,000 का ऑफर, इसमें आई एम टेलिंग यू गाइस ये मान जाए
नहीं मान, बेइज्जती करवा दी, वो बिक गई, मान गई, देखा। अरे तुम्हारे भाई को भाई एक्सपीरियंस है, अरे बाहर वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी क्या इनको? अच्छा मैंने सेल पे नहीं लगाई क्या? हाँ ये मैंने अभी सेल पे लगाई नहीं है, इसलिए इसके कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जब अंदर लगा दूंगा तो इसके भी कस्टमर आ जाएंगे। चलो जी फोर्ड रैप्टर की बारी। नाइस, $4 लाख की हमने रखी है प्राइस। जिस प्राइसिंग तो आपको आने नहीं था, आपको करनी नहीं थी इस बारे में बात, अगर आपको प्राइस बोदर कर रहा है तो। 3,22,000 बोली ना आप, अभी दिखाता हूं मैं आपको इन सबके पसीने का कुछ छूटे हुए हैं। 3,20,000 बोला ना उसने, देखते हैं कितना। एज इट इज प्राइस में बेच खरीद रही है, टम करा ली बेचती, आ गया स्वाद, ले लिया मजा। चपड़ गंजू आइए। हाँ जी, लाइन वाले शर्ट वाले आदमी, $5 लाख में हमारी गाड़ी है आपके सामने प्रस्तुत, आप देंगे सबत, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं इस बात पे। अगर हमारी एक अभी के अभी एक गाड़ी ऐसी बिकी है, नहीं हम आपको बेच नहीं दे सर, हमारा नहीं पड़ता खाएगा यहाँ पे, ना 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 ना, ना। हमारा पड़ता नहीं खाएगा, आप जा सकते हैं पूरे सम्मान के साथ। आप आए इतने दूर से दिस प्राइस, फिर आप आए क्यों हैं? 3.5 उसने बोला है अभी मेरे को, है तो 3.34 बोल रहा है मेरे को यहाँ पे। डोंट सेल, आप निकले, मैं इसको ही भेज देता हूँ सर, हमारा पड़ता खा जाएगा, आइए। ठीक है, आपने 3.5 बोला था ना, नहीं इसने 3.25 बोला है सर, 3.30, ए 3.30 वाला था वो, मेरे को लगा इसने 3.5 बोला है, तो हम आपको डोंट सेल कर रहे हैं। ठीक है, 3.25-3.30 तक का हमारे को हाईएस्ट प्राइस आ चुका है इस गाड़ी का। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बिक जाए। लेट्स सी कि ये शर्ट शर्ट वाली औरत क्या कहती है, देखें। अरे ये तो और भी कलाकार निकली, निकलो बहन, हमको करनी नहीं है अब। हम देखो गाड़ियां ऑलमोस्ट मैंने सारी बेच दिया अपनी स्टोर की, अब एक काम करेंगे ये गाड़ियां भी जो है इनको ले जाएंगे और अंदर लगा देंगे। आओ जरा तुम्हें दिखाए अंडे का फंडा, स्कैम रुम रुम। चलो इस गाड़ी को लगाए अंदर, आपको ऊपर वाला फ्लोर नहीं दिखाया ना तुम लोगों को मैंने अभी, उनको ऊपर वाला फ्लोर भी दिखा दूं क्या? एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं अभी, कैसे दोनों गाड़ी अपनी ठोक देता मैं। चलो दूसरी गाड़ी भी लाके लगा देते हैं भाई, पोर्शे ही पोर्शे हो गई है तो। ओ डैम, एक दिन में सारी पोर्शे खरीद के लगा दूं क्या अपनी गाड़ी के इसके अंदर शोरूम में? एक काम करता हूं, हाँ यार सारी ना गाड़ियां लगाता हूं अपने शोरूम में पोर्शे सिर्फ। देखा इसे कहते हैं पटाखा किंग। चलो सारी गामड़िया हमने लगा दी पोर्शे, पैक करो भैया। ठुक गई हल्की सी क्रैचिंग आ गई उसपे, क्रैचिंग बाजी हो गई भाई। चलो इसे करके लगा दिया है हमने, बहुत बढ़िया एकदम सिपका के। अरे इस गाड़ी को फिर मैं अभी नहीं बेच रहा, रुक अगर तू अच्छा प्राइस दे रही है तो ले जा। 3.33 का प्राइस आ रखा है मेरे पास, 3.5। हाँ फाइनली 3.5 की बात हो रही है, 3.75 में बहन मान जाइयो प्लीज, इज्जत से वैसे मानेगी नहीं मेरे को, आई नो दैट। तो 3.80 का मैं इसको प्राइस देता हूँ। लो अंधेरा हो गया, रात हो गई है, वो बिक गई। गाइस मैंने आज ऑलमोस्ट अपनी सारी गाड़ियां बेच दी हैं, ये गाड़ियां बची है इसको भी मैंने लगा देता हूँ अंदर फटाफट से। भाई ये बहुत सेक्सी गाड़ी है भाई ये, लॉली था उसको उधर की तरफ लगाता हूँ, सामने की तरफ है ना। चलो जी बहुत सही, चलो लग गई गाड़ी है। तो आज का दिन हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट। एंड $12 लाख से स्टार्ट किया था गाइस, $88 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी भी गाड़ी कुछ कुछ बची है, ऊपर 2 गाड़ियां बची हुई है, ऊपर वाला फ्लोर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक के लिए।